दोस्तों, कोरोना वायरस ने आपकी लाइफ को बड़ा इफ़ेक्ट किया, इवन मेरी लाइफ को भी और सबकी लाइफ को इफ़ेक्ट किया। इसमें लोगों को खासकर अपनी EMIs, बैंक EMIs और जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं उसको पेमेंट करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी स्टार्टिंग में, जब लॉकडाउन हमारे देश में लगा। उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली लोन मॉरेटोरियम की। उसी लोन मॉरेटोरियम के इस वीडियो में हम समझेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट में ये काम आएगी। मैं ब्रजेश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ लाइफ इजी है चैनल में। दोस्तों, हमारे देश में कंप्लीट लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था 25 मार्च 2020 में। कोरोना वायरस का इफेक्ट बढ़ता जा रहा था, उसको देखते हुए हमारी केंद्रीय सरकार ने पूरे देश में कंप्लीट लॉकडाउन की अनाउंसमेंट कर दी 25 मार्च से। उसके बाद क्या हुआ, हर जगह तालाबंदी टाइप हो गई, सारे बिजनेस ठप हो गए, कई लोगों की नौकरियाँ चली गई, कई लोगों की सैलरी कट होने लगी और जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग हैं या कुछ डेवलप्ड लोग हैं उनको अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स, EMIs देने में पेमेंट, तो हर किसी को दिक्कत हुई इसकी पेमेंट में। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, RBI के थ्रू उन्होंने गाइडलाइन निकाली कि भाई आप लोन मॉरेटोरियम का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब लोन मॉरेटोरियम क्या था, हर किसी के लिए नया था। लोन मॉरेटोरियम में क्या था कि अगर आप मंथली EMI नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, आप आगे जाके इसको देंगे। इनिशियली गवर्नमेंट ने इसको 3 महीने के लिए लॉन्च किया था RBI ने, मार्च, अप्रैल और मई। और इसको जब रिक्वेस्ट आई लोगों की गवर्नमेंट के पास तो उन्होंने इसको दोबारा एक्सटेंड किया 3 महीने के लिए, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त में लोन मॉरेटोरियम का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब लोन मॉरेटोरियम में क्या था, आप EMI को डेफर कर दीजिए, डेफरमेंट कर दीजिए, उसको पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन हाँ EMI आपको देनी पड़ेगी। लोन मॉरेटोरियम के बाद आपको EMI देनी पड़ेगी। कैसे, अगर आपका टेन्योर 12 महीने का है लोन का और आपका लोन मॉरेटोरियम पीरियड 6 महीने का था तो वो आगे एक्सटेंड हो जाएगा, 18 महीने का लोन हो जाएगा आपका। लोन मॉरेटोरियम आप 6 महीने उसमें इंक्लूड कर दीजिए और आगे आपकी EMI एक्सटेंड हो जाएगी 12 महीने के लिए। आप शायद समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब लोन मॉरेटोरियम ऑप्शन आने के बाद एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई। जो कस्टमर बैंक के रेगुलर पेमेंट करना चाहते थे या रेगुलर पेमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर जो लोन मॉरेटोरियम के अंडर अपनी EMIs को डेफर कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा है और हम पेमेंट कर रहे हैं तो फ़ायदा क्या, हम भी नहीं करेंगे। अब इसमें फ़ायदा क्या था आपको रेगुलर पेमेंट करने का, कि आप रेगुलर पेमेंट करिए आपकी EMI अपडेट हो जाएगी, लेकिन अगर आप लोन मॉरेटोरियम में जाते हैं तो आपकी EMI जो आप डेफर कर रहे हैं वो आपके प्रिंसिपल में ऐड होता जाएगा, यानी आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपकी EMI 1000 रुपये की है और उस पर आपको 100 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है और आप उसको पोस्टपोन कर रहे हैं अगले महीने, तो वो जो 100 रुपये का आपका इंटरेस्ट है उस पर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये था लोन मॉरेटोरियम कॉन्सेप्ट। अब लोन मॉरेटोरियम में यह था कि अगर आप EMI नहीं दे रहे हैं भाई, कहीं आपका अकाउंट NPA ना हो जाए, तो लोन मॉरेटोरियम लाने का पर्पज़ यही था कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो उसको एज ए डिफ़ॉल्टर घोषित ना किया जाए, उसका अकाउंट NPA ना मार्क किया जाए। ये बेसिक फंडा था आपका लोन मॉरेटोरियम का। अब जब ये लोन मॉरेटोरियम ख़त्म हो गया अगस्त में, फिर कई सारी PIL लगी हमारी सुप्रीम कोर्ट में। कुछ लोगों ने कहा कि लोन मॉरेटोरियम पीरियड की जो EMIs है वो माफ़ कर देनी चाहिए। फिर लोगों ने कहा जिन्होंने जेन्युइन तरीके से EMI पे की है उनका क्या होगा, ये तो गलत है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, इस पीरियड में जो इंटरेस्ट लगा है उसको वेव ऑफ कर देना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि इस पीरियड का जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, यानी जो ब्याज पे ब्याज लग रहा है, उसको वेव ऑफ करना चाहिए। तो सरकार ने इस पर यह कहा कि बैंकिंग सिस्टम जो हमारा चलता है, अगर हम लोन की EMIs को ही माफ़ कर देंगे पूरा चरमरा जाएगा, बैंकिंग सिस्टम पूरा चरमरा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा कि क्या ऑप्शन से आप पब्लिक के लिए क्या कर सकते हैं वो हमें बताइए। तो अभी 5 तारीख की हमारी जो हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में लोन मॉरेटोरियम को लेके, उससे पहले जो जितनी भी हियरिंग हुई है उसमें सरकार को काफ़ी फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जो 5 तारीख की हियरिंग हुई है उसमें गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया सुप्रीम कोर्ट को कि हम 2 करोड़ से ऊपर जो भी लोन है उस पर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन उसके नीचे के जितने भी लोन हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड हो या होम लोन हो, कार लोन हो, उस पर जितना भी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगा है वो पार्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का जो पार्ट है वो गवर्नमेंट बियर करेगी। वो पैसा गवर्नमेंट बैंक को देगी, यानी बैंक को पूरा पैसा मिलेगा लेकिन कस्टमर पे बर्डन नहीं आएगा। तो एक तरीके से आपको वेवर भी मिल गया और बैंकिंग सिस्टम बना का बना रह गया। लेकिन हाँ, ये प्रपोजल देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा डांट लगाई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा है कि ये कोई कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं है, अगर आप ये प्रपोजल लेके आ रहे तो RBI को कोई गाइडलाइन निकालनी चाहिए थी, आपने अभी तक कोई गाइडलाइन निकाली नहीं है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम दिया है 1 हफ्ते का कि आप 12 तारीख को एडिशनल एफिडेविट फाइल करिए और हमें बताइए कि आप क्या सॉल्यूशन है आपके पास लोन मॉरेटोरियम को लेके, और एक कंक्रीट सॉल्यूशन के साथ, एक नोटिफिकेशन के साथ हमारे पास आइए कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, RBI की गाइडलाइन क्या होगी, आप हमें बताइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपको लोन मॉरेटोरियम का कॉन्सेप्ट समझाने की।
आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के थ्रू, तो वेट करिए आप। 13 तारीख का, 12 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट एफिडेविट फाइल करेगी और 13 तारीख को हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया होगा ये सब कुछ। तो दोस्तों, अगर लोन मॉरिटोरियम का जो सुप्रीम कोर्ट का पेंडिंग डिसीजन है, अगर आम जनता के फेवर में आता है, या जो गवर्नमेंट प्रपोजल लेके आई है कि 2 करोड़ के नीचे जो भी उनके लोन है उस पर लोन मॉरिटोरियम के पीरियड का जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पार्ट है वो गवर्नमेंट बियर करेगी, कस्टमर पे नहीं जाएगा। अब इसमें अगर आप ईएमआई ऑलरेडी दे चुके हैं या आपके ऊपर ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लग चुका है, आपने लोन मॉरिटोरियम एक्सेप्ट किया था, तो वो पर्टिकुलर पार्ट आपका रिवर्स आ जाएगा आपके अकाउंट में, यानी आपकी एक्चुअल लायबिलिटी बन जाएगी जो पहले की थी, उसमें एडिशनल चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, इससे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके। इतने दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, मेरी एक वीडियो को तो शेयर करिए आप लोग, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।